नमस्ते, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सरकार इमिग्रेशन के सुधारों में स्किल्ड वर्कर्स के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा की योजना बना रही है? फेडरल सरकार स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीज़ा प्रोसेस में सुधार करके इमिग्रेशन को स्ट्रीमलाइन करने की तैयारी कर रही है और महीनों के बजाय कुछ ही दिनों में वीज़ा का वादा किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। प्रपोज किए गए माइग्रेशन के सुधारों के हिस्से के रूप में, जो हाल ही में द ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू के एक लीक में सामने आया, बिजनेसेस में जल्द ही एक्सपेडाइटेड वीजा प्रोसेस के जरिए कम से कम $1,20,000 कमाने वाले फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स को देश में आने की इजाजत दी जा सकती है। ये बदलाव लेबर कमीशन माइग्रेशन रिव्यू से उत्पन्न हुए हैं, जिसमें फिलहाल के सिस्टम को फंडामेंटली टूटा हुआ बताया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ रिव्यू है, जिसमें 4 लाख माइग्रेंट्स का अराइवल हुआ है, जिसका मुख्य कारण हाउसिंग मार्केट के बढ़ते दबाव के बावजूद COVID-19 बॉर्डर क्लोजर्स होने के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वापसी हुई। कंपनीज के लिए ज्यादा तनख्वाह वाले वर्कर्स की भर्ती को आसान बनाने के लिए नियमों में ढील देने के अलावा लेबर के माइग्रेशन के सुधारों में एम्प्लॉयर्स को $70,000 से कम कमाने वाले केयर सेक्टर के वर्कर्स को लाने में सक्षम बनाने की भी योजना है। होम अफेयर्स मिनिस्टर क्लेयर ओनील ने चुनौतियों के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इसकी अक्षमताओं के कारण पूरे माइग्रेशन सिस्टम में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बदलावों का मुख्य उद्देश्य माइग्रेशन को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को आकर्षित करना है जो देश के गंभीर मुद्दों से निपट सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन बदलावों का पूरा प्रभाव ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन को बढ़ाने वाला नहीं होगा, असल में बदलावों का प्रभाव सिस्टम के आकार को थोड़ा कम करना होगा। और उन्होंने स्पष्ट किया कि रिव्यू और पॉलिसी के बदलाव का ध्यान केवल तादाद पर नहीं, बल्कि आने वाले माइग्रेंट्स की योग्यता और योगदान पर है। मैक्रो बिजनेस के कोफाउंडर लीथ वैन ओनसेलन ने पॉलिसी के लिए तब तक समर्थन व्यक्त किया जब तक वेतन सीमा ऊंची बनी रही, जैसे कि $1,20,000 या उससे ज्यादा। उन्होंने तर्क दिया कि वेतन स्तर को नियमों या ऑक्यूपेशन लिस्ट्स के बजाय स्किल्स की असेसमेंट करने के लिए मुख्य क्राइटेरियन के रूप में काम करना चाहिए, जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। एएमपी के चीफ इकोनॉमिस्ट शेन ओलिवर ने भी हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को संबोधित करने के लिए इमिग्रेशन को कम करने की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि बिल्डिंग इंडस्ट्री की कैपेसिटी के साथ अलाइन करने और हाउसिंग सप्लाई की कमी को कम करने के लिए सालाना लगभग 5 लाख लोगों के फिलहाल के इमिग्रेशन लेवल्स को लगभग 2 लाख तक कम किया जाना चाहिए। शैडो फाइनेंस मिनिस्टर जाने हामे ने मौजूदा हाउसिंग क्राइसिस और इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों को देखते हुए बढ़ते माइग्रेशन का समर्थन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बारे में चिंता जताई। हामे ने एक वेल मैनेज्ड माइग्रेशन प्रोग्राम के महत्व पर जोर दिया, जो प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देगा। नैटबार द्वारा पूछे गए हाउसिंग के सवालों के जवाब देते हुए मिनिस्टर ओनील ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की फिलहाल की जनसंख्या COVID-19 के समय सीमा बंद होने के बिना जितनी होती उससे कम है। हाउसिंग के मुद्दों को स्वीकार करते हुए उन्होंने $10 अरब के हाउसिंग ऑस्ट्रेलिया फ्यूचर फंड जैसी हाउसिंग से संबंधी पहलों को ब्लॉक करने के ऑपोजिशन की कोशिशों पर निराशा व्यक्त की। लेबर ने तर्क दिया है कि ये पहल हाउसिंग की चुनौतियों का समाधान करने के लिए जरूरी है, जबकि इस बात पर जोर दिया गया है कि माइग्रेंट्स इन मुद्दों का कारण नहीं है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।